This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. जी क्या हाल है आप सबका? ठीक है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 24वें बैच के, जो कि एक एक्सक्लूसिव बैच है और स्पॉन्सर्ड है बेसिकली GSM प्लेयर के नाम से एक कंपनी है जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, और जो जो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा मैं कल पहले लेक्चर में उसकी डिटेल भी बता चुका हूँ। आज के इस लेक्चर नंबर 2 में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जो है जिस मकसद से इस ट्रेनिंग को आप लोगों ने ज्वाइन किया और आगे, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट आप लोगों ने रैंक करवाना है, चाहे अपना है चाहे आप किसी कंपनी के लिए करना चाह रहे हो, वो पूरा हो सके। आमीन सुनाओ। कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को व्हाट डज गूगल मेजर, गूगल किस चीज को नापता है, किस चीज को देखता है जब आपको रैंकिंग देने लगता है, किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, वो होता है बाउंस रेट। बाउंस रेट, ट्रैफिक सोर्सेज, विजिट्स एंड विजिटर्स। बाउंस रेट क्या होता है बेसिकली, मैंने कल भी बताया था कि यूजर कितनी देर हमारी वेबसाइट पे स्टे करता है, दैट थिंग इज कॉल्ड बेसिकली बाउंस रेट। मैंने कोई भी ऐसे रैंडमली एक कीवर्ड सर्च करवाया, ठीक है, और यहाँ पर मुझे साइट्स नजर आ रही। मैं इस साइट पे गया, पहली साइट जो मुझे नजर आई मैं साइट पे गया, और मुझे यहाँ पर जो मैंने कंटेंट ढूंढना था, देखना था, फॉर एग्जाम्पल, वो मुझे नहीं मिला। मैं वापसी आ गया। ये जो मैं वापस आया हूँ, इस सूरत में दो काम हुए हैं, एक तो बाउंस रेट और दूसरा क्लिक बैक। बाउंस रेट एंड क्लिक बैक, बाउंस रेट एंड क्लिक बैक। बाउंस रेट क्या था, फॉर हाउ मच टाइम कितनी देर के लिए मैं साइट पे मैंने स्टे किया, ठीक है, ये कैलकुलेट होता है बेसिकली, और इसको कैलकुलेट जिस तरीके से होता है उसको बोलते हैं गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है आई है क्लिक बैक। ठीक है, क्लिक बैक क्या हुआ, मैं वापसी आया, मैं दूसरे लिंक पे गया, उधर मुझे वो चीज मिल गई, जो चीज मैं ढूंढ रहा था, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां पर मिल गई, मैंने इस पर आकर रजिस्ट्रेशन करवा ली। ये सारा जो दौरानिया होगा ये बाउंस रेट में कैलकुलेट होगा। किसमें कैलकुलेट होगा, बाउंस रेट में। अच्छा, मेरे लेक्चर के दौरान आप लोगों ने कोई और काम नहीं करना है, कोई भी आप काम कर रहे हो आपने छोड़ देना है और फोकस लेक्चर पे करना है, ठीक है, इधर उधर आपने फोकस नहीं करना है। अब क्लिक बैक, एक्चुअली जब हम वापसी आते हैं तो गूगल जो हम क्लिक करते हैं उसको भी कैलकुलेट करता है, उसको भी बेसिकली काउंट करता है, और जो हम क्लिक करके जाते हैं उसको भी काउंट करता है, जो वापसी आते हैं उसको भी काउंट करता है। तो गूगल हर चीज के ऊपर नजर रखता है। तो ये जो अगर किसी वेबसाइट
पे यूजर की कोई कीवर्ड सर्च करवा के किसी वेबसाइट पे जाता है, और ज्यादा आईपी से यानी कि ज्यादा लोग अगर यही काम करें कि जाएं और वापसी आ जाए, जाएं और वापसी आ जाए, इस वेबसाइट की रैंकिंग डाउन होना शुरू हो जाएगी, चाहे ये दुनिया की बड़ी से बड़ी साइट ही क्यों ना हो। अब वेबसाइट डाउन क्यों होना शुरू हो जाएगी? क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिथम है वो इसी चीज पे चलता है कि डिलीवर क्वालिटी, डिलीवर क्वालिटी। गूगल का जो एल्गोरिथम है वो इस टाइम बहुत सादा बन चुका है, बहुत सादा हो चुका है, और उसके मुताबिक जो है जो साइट क्वालिटी की होगी वो उसी को रैंकिंग देगा, अदरवाइज और साइट्स को रैंकिंग नहीं देगा मतलूबा कीवर्ड्स पे। तो ये जो गोल है गूगल का वो इसी तरह से पूरा होता है कि क्लिक बैक और बाउंस रेट को गूगल बहुत ज्यादा देखता है। आप लोगों ने भी इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। ट्रैफिक सोर्सेज, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक कौन से सोर्स से आ रही है, इस चीज को भी गूगल देखता है बेसिकली। किस वेबसाइट से हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, आया कि वो वैलिड सोर्स है कि नहीं, ये तीन चीजें किसी भी वेबसाइट की बेसिक रिक्वायरमेंट है, और रैंकिंग में इसका 150% इवन 200% इसका अफेक्ट होता है। तो इस चीज पे आप लोगों ने ध्यान देना है कि ट्रैफिक हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं। आपको इंटरनेट पर जाओ, आप पढ़ोगे कि हाउ टू गेट रैंकिंग ऑन गूगल, तो आपको कहा जाएगा ट्रैफिक ले आओ। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर आपको सीखने को मिलेगा, हिटली पे एक सॉफ्टवेयर है जो कि ब्लैक हैट एसईओ में इस्तेमाल होता है। हम लोग व्हाइट हैट एसईओ करने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह की टेक्निक से अवॉइड करना है, दूर रहना है अपने आप को, स्टे अवे फ्रॉम दीज टेक्निक्स। हम लोगों ने रियल मेथड से हम लोग ट्रैफिक लेकर आएंगे अपनी वेबसाइट पे इनिशियली, देन गूगल विल स्टार्ट रैंकिंग आवर वेबसाइट, ठीक हो गया। तो वो आप लोगों को मैं टाइम टू टाइम सिखाऊंगा कैसे हम लोग लेकर आएंगे। विजिट्स एंड विजिटर, जो यूजर आ रहा है, आया कि वो रियल है या फेक है, हर चीज को गूगल कैलकुलेट करता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों ने अपने पास नोट्स की सूरत में रख लेने हैं, क्योंकि थ्योरी इन दो लेक्चर में ही होती है, पहले दो लेक्चर में ही होती है, उसके बाद सारा काम प्रैक्टिकली होता है कंप्लीट ट्रेनिंग में, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को बेसिक चीजें सिखा रहा हूं, इसको आप लोगों ने कहीं कहीं ना कहीं पे नोट्स में लिख लेना है, पेन एंड पेपर से, और जो जो आगे बातें बताता जाऊंगा, इवन प्रैक्टिकली करके दिखाता जाऊंगा, वो आप लोगों ने उसी तरह प्रैक्टिकली करना होगा। बट कहीं ना कहीं आप लोग अपने पास भी रिकॉर्ड में रखेंगे, समटाइम रिकॉर्डिंग सही नहीं हो पाती फॉर एग्जाम्पल, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग पे डिपेंड नहीं करना सारा, ठीक है। और लाइव लेक्चर छोड़ के आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि आप रिकॉर्डिंग देख लोगे, ऐसा नहीं करना। की कॉन्सेप्ट जो यूज होते हैं एसईओ के अंदर मेरे ऑनलाइन कैरियर के एक्सपीरियंस के मुताबिक, पिछले 20-22 साल का जो मेरा निचोड़ है, जो मैंने ऑनलाइन काम करते हुए देखा, और ये है कि जो कीवर्ड रिसर्च है जो आप लोगों को आज स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, ये 70% इसका किरदार है किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस का। सक्सेसफुल बिजनेस का 70% डिपेंडेंट होता है हाउ वी डू कीवर्ड रिसर्च, हम कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं। ये जो दो स्टेप्स हैं, कीवर्ड रिसर्च इसका किरदार है 70%, ठीक है, एंड ऑन पेज एसईओ, ये दोनों चीजें 70% किसी भी सक्सेसफुल वेबसाइट का हिस्सा होती हैं। रिमेनिंग 30% जो है वो ऑफ पेज एसईओ पे
पे डिपेंडेंट होता है, कोई भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑनलाइन। क्लियर है यहाँ पे? वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? तो जो मैंने बात की है यहाँ तक समझ आ गई सारी? एक्टिव रहना है आप लोगों ने, अदरवाइज समझ नहीं आएगी। ओके फाइन, ठीक हो गया। अच्छा, आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एक गोल से, अपने एक प्लान से। हर सक्सेसफुल बिजनेस का हर वो चीज जो आप स्टार्ट करते हो गोल से, वो आपके आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती होती है। सबसे पहले आपने गोल सेट करना है कि आपने ऑनलाइन इस एसईओ एक्सपर्ट्स की ये जो 24th बैच आपने ज्वाइन किया है, 24वां बैच जो ज्वाइन किया है, इसको अडॉप्ट करके, इसको फुल टाइम आप लेके जो आगे चलते हो, तो आप कितने पैसे कमाना चाहते हो। हर बंदे ने आज तसल्ली से, तहम्मुल मिजाजी से अपना एक गोल सेट कर रहा है। पहले अगर आपने गोल सेट नहीं किया, नो इशू, आपने आज अपना गोल एक सेट करना है कि आपने ऑनलाइन एक प्रोजेक्ट लॉन्च करके या मल्टीपल प्रोजेक्ट लॉन्च करके पर मंथ का कितना कमाना है। सबसे पहले आपने आज अपना गोल सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि $3,000 का गोल मैंने सेट कर लिया। हर बंदे ने ये गोल सेट करना है। और आप लोगों की जो असाइनमेंट नंबर 1 पार्ट 1 होगी, उसमें आपने अपना नेम, बैच नंबर, योर टारगेट टू अर्न पर मंथ, ठीक है, ये आपने मेंशन करना होगा एक्सेल की फाइल बना के। ठीक है, आप लोगों की जो असाइनमेंट जितनी भी होगी वो तो एक्सेल की फाइल आप लोगों ने बनानी होगी और आप लोगों ने ये कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने सेट कर लिया गोल, मैंने $3,000 बनाना है। और मैं यहाँ पर ये साथ साथ बात बताता चलूँ कि जो बंदा गोल सेट करता है कारोबार स्टार्ट करने से पहले, वो अपना कम अज कम, मैं कह रहा हूँ कम अज कम आधा अचीव कर लेता है। समझ आ रही? आधा। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप अपने गोल का डबल अर्न कर जाते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। समझ आ रही है? तो ये सबसे पहले आपने अपनी मेंटेलिटी सेट करनी है। अपना आपने एक गोल बना के, वो एक मूवी आई थी गजनी, उसने अपने जो टारगेट थे ना उनको उसने दीवारों पे तस्वीरें की लगा के, जब वो सुबह उठता था तो वो देखता था, रात को सोते वक्त उसको देखता था। उसका मतलब था फोकस, उस मूवी का जो पर्पस था, दैट इज बेसिकली फोकस। आपने अपना फोकस एक करना है, आपने कमाना कितना है। ये जितनी भी आप स्किल लेने के लिए स्पोर्ट्स को आप लोगों ने ज्वाइन किया है और जो भी प्रोजेक्ट आप आगे लॉन्च करने जा रहे हो, आपने अपना गोल सेट करना है कि मैंने इतना पर मंथ का जो है वो अर्न करना है। वो गोल आप लोगों ने अपना लिखना है, एक्सेल की फाइल में लिखना है, अपने पास मोबाइल में लिखना है, अपने पास कागज, पेन एंड पेपर से कागज पे लिखना है कि आपने इतना पर मंथ का जो है ऑनलाइन एक वेबसाइट बना के या मल्टीपल वेबसाइट बना के एसईओ की स्किल से आपने रैंकिंग करवा के हासिल करना है। क्योंकि जो जो भी आप जिंदगी में स्किल बेसिकली लेते हो, उसका आपका मकसद यही होता है कि आपने एट द एंड अर्निंग करनी होती है। चाहे आप मास्टर लेवल तक डिग्री हासिल कर लो, चाहे आप ऑनलाइन फील्ड में, जैसे आप एसईओ की इस फील्ड में आए हो, आप मार्केटिंग आपने चूज किया कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हो, तो अल्टीमेटली या आप एट द एंड आपने अर्निंग ही करने के लिए ये काम आप सीख रहे हो। ठीक है ना?
इस पे आपने फोकस करना है। अच्छा मैं कहता हूँ $3,000 मैंने पर मंथ का अर्न करना है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि मुझे एक साइट जो है वो, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 महीना मेहनत की, आफ्टर 2 मंथ्स मुझे एक वेबसाइट देने लगे $250। अच्छा मेरे पास काफी लोग ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि लाइक उन्होंने 2012 में, 13 में, 14 में प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और बहुत अच्छे उनके रहे और उन्होंने बहुत अच्छा कमाया, तो अब उनके पास करने को कुछ नहीं है। तो मैं ये उनसे पूछता हूँ और आपसे भी मेरा सवाल है कि आप अगर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो और उसको $250 पर मंथ उससे जनरेट करने लग जाते हो, तो क्या आप अपने उस मेथड को रेप्लीकेट डुप्लीकेट नहीं कर सकते क्या? मेरा सवाल है आप लोगों से, क्लोन नहीं कर सकते? जी जब आपने हर स्टेप को अपने पास नोट किया हो, फ्रॉम नीड सिलेक्शन टू कीवर्ड रिसर्च, देन डोमेन बाइंग, देन पोस्टिंग, देन आर्टिकल, स्टेप सारे आपने लिखे हो, क्या तो क्या आप वो काम दोबारा क्या नहीं कर सकते? आप खुद आपने किया हो तो वो काम आप दोबारा नहीं कर सकते, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। फिर मैंने उन स्टूडेंट्स को गाइड किया कि अगर आप पर मंथ का $1,200 या $1,500 अर्न कर रहे थे तो आप दोबारा भी कमा सकते थे। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा दोबारा उसी तरह का प्रोजेक्ट आपने लॉन्च करना था, सेम स्टेप्स करने थे, सेम मेहनत करनी थी, तो आप अपने गोल तक दोबारा पहुंच जाते। अब मसला क्या होता है, ठीक है? अब मसला ये होता है कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, आपको पता बताने वाला कोई नहीं होता, ठीक है? आप किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं होते, तो आप क्या कहते हो, आप अर्निंग करते करते वो डाउन हुई, आपने काम ही बंद कर दिया, आप फॉर एग्जाम्पल सड़क पे आ गए। ऐसे बड़े लोगों के साथ हुआ है, ये इन्हीं कोरोना के दिनों में बहुत ज्यादा हुआ मसला कि लोग सड़क पे आ गए, करोड़ों पति थे, लाखों पति थे, सड़क पे आ गए। क्यों? कि कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई किसी से गाइडलाइन नहीं लेते, ठीक है? तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ $250 मुझे पर मंथ का दे रही थी, मुझे कितनी साइटें चाहिए होंगी कि मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा? मायूसी तब आती है जब आप लोगों की बातों में आते हैं, अदरवाइज अल्लाह मायूसी को नापसंद करता है, ठीक है ना? लोग आपको मायूस करने कर देते हैं, मजबूर कर देता है, ये कह सकते। सही हो गया? हाँ जी। हमें कितनी साइटें चाहिए हम अपने टारगेट तक पहुंच जाएं? 10 to 12, ऐसे ही है। अपने जो आपका टारगेट होता है ना, उसको पार्ट्स में तब्दील कर लो। जब आप एक सीढ़ी लगी हुई ना, घर में एक सीढ़ी लगी हुई है, जब आप ये कहोगे ना मैं पहली सीढ़ी पे पाँव रखूं और आखिरी सीढ़ी पे मेरा पाँव चला जाए दूसरा, ऐसा नहीं होता। आपको एक एक सीढ़ी को जो है वो चल के क्रॉस करना पड़ता है, देन आप आखिरी सीढ़ी तक पहुंचते हो। 10 सीढ़ियां हैं, 12 सीढ़ियां हैं, ये मैं आप लोगों को एक ऐसा फार्मूला दे रहा हूँ जो कि आप ये कह सकते हो कि सेपरेटली एक टॉपिक था, बट ये हमारी हमारा जो काम करने का तरीका कार है, ऑनलाइन हम लोग जो काम करते हैं और हम आम जिंदगी में भी जो काम करते हैं, हम लोग कोई प्लानिंग सेट नहीं करते हैं। तो जब आप प्लानिंग सेट नहीं करते हो ना, तो फिर आप फ्लॉप हो जाते हो, ठीक है? तो वो आप लोगों को एक कह लो कि पहले गोल सेट करवाया है, देन आपको बता रहा हूँ कि आपने जो भी उस गोल बनाया है, आप एक एस्टिमेट बना लो कि मैं मेरी एक साइट इतना देने लग जाएगी एटलीस्ट, और ये कम अज कम होगा, आप इसे ज्यादा कमाने लग जाओगे।
ठीक है, तो आपने ये देखना है कि मेरी एक साइट आने वाले 2 से 3 महीनों में फॉर एग्जाम्पल $2,500 देने लग जाती है, तो मुझे 10 से 12 साइटें स्टार्ट करनी है। तो आप एक साइट रेडी कर सकते हो तो आप दर्जनों साइटें रेडी कर सकते हो, दर्जनों, सुन लो, दर्जनों। ये मैं आपको बात ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और ऐसा होता है, जब आप एक सेटअप से स्टार्ट करते हो आपको समझ आ जाती है, फिर आप अपना सेटअप बढ़ाते हो, और बढ़ाना चाहिए। अगर आप नहीं बढ़ाते तो इट मींस कि आपकी जिंदगी में कोई गोल ही नहीं था, आपने कभी आगे बढ़ने का सोचा ही नहीं है। लोग नहीं आपको बताएंगे आके कि अब आपने क्या करना है, आपने अपने लिए खुद सोचना है। ठीक है, $3,000 का हमारा जो टारगेट था उसको अचीव करें। अब टारगेट अचीव करने के लिए जैसे मैंने बताया कि हमने एक साइट जो बनाई वो फॉर एग्जाम्पल मिनिमम $250 पर मंथ का देने लगे, अब हमें 10 से 12 साइटें चाहिए। अब साइट स्टार्ट करने के लिए हमें कीवर्ड्स की जरूरत होती है, कीवर्ड्स की, जिन टॉपिक पे, जिनको कीवर्ड से बड़ा टॉपिक, टॉपिक की जरूरत होती है जिस टॉपिक पे हम अपनी साइट स्टार्ट करें। अब टॉपिक पे साइट स्टार्ट करने के लिए हमें नीच सिलेक्शन का पता होना चाहिए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जो न्यूबी होता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी काम जानता है, इधर उधर इंटरनेट पे वीडियोस देख चुका है, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज ना बिखरी हुई आपको मिलेगी, कभी भी आपको एक ट्रैक नहीं मिलेगा। बट SEO एक्सपर्ट ट्रेनिंग के इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर चीज एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के जरिए मिलेगी, आपने इसी को फॉलो करना। नीच सिलेक्शन बहुत जरूरी है। नीच सिलेक्शन, नीच क्या होती है? नीच मतलब होता है किस कैटेगरी पे आपने अपनी, किस टॉपिक पे आपने अपनी साइट को स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल बॉडी, बॉडी के अंदर, बॉडी में जो है वो बेसिकली फेस, फेस पे चीक्स और चीक्स पे पिंपल, ये एक फॉर एग्जाम्पल कुछ डिजीज है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डिजीज है ये, सिम्टम है, वट एवर जो भी है, बट जो इस हमारे, हमने जो अपनी साइट स्टार्ट करनी है उसमें जो नीच है, नीच ये है, पिंपल्स। आपने चीक्स की तरफ नहीं जाना, आपने फेस की तरफ नहीं जाना, आपने बॉडी की तरफ नहीं जाना। जब आपका नीच सिलेक्शन परफेक्ट होगा, मैं आपको दूसरे लेक्चर में ही ये बात गारंटी के साथ कहता हूं कि आप जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करोगे, जो भी प्रोजेक्ट, वो आपका टॉप क्लास का होगा, वो आपका हमेशा आपको ट्रैफिक देगा। हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखने का मकसद यही है ना कि हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आए। मैं वही अभी आगे एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ठीक है, तो नीच सिलेक्शन जो है वो बहुत बेसिकली जरूरी है, और इस पे आपने टाइम लगाना है। ये जो आगे आप लोगों के पास 4 से 5 दिन होंगे ना, आप हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, एक तो कल फ्राइडे है, उसके बाद जो फ्राइडे होगा ना, डेफिनेटली फ्राइडे एंड सैटरडे को लेक्चर हुआ करेगा 7:45, क्योंकि 7:30 पे नमाज होती है, 7:45 पे क्लास हुआ करेगी। ठीक हो गया। अच्छा, जो सब टॉपिक होता है ना, जो सब कैटेगरी होती है, दैट इज बेसिकली हमारी, वही हमारी नीच होती है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को। एक साइट है ehow.com, एक साइट इंडियन साइट है, तो जहां से आपको नीच का बहुत बेहतरीन आइडिया होता है। इंडियन ने ये साइट बनाई हुई है, आपको नीच का जो आइडिया है वो यहां से मिलता है, ehow.com से, इस इंडियन वेबसाइट से। ठीक है, हमारी web.com, इन साइटों से आपको, मैं आइडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है,
मैं अब आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपने कैसे नीच सेलेक्ट करनी है। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ पोस्ट, अब ये एक आर्टिकल फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मेन उसकी कैटेगरी है फूड एंड ड्रिंक। अब अगर आपने एसईओ एक्सपर्ट ट्रेनिंग ना ज्वाइन की हो तो आप किसी के भी कहने पे फूड एंड ड्रिंक पे साइट बना दोगे, उसके बाद जब रैंकिंग नहीं होगी फिर आप कहोगे कि ऑनलाइन तो पैसे आते ही नहीं है, ऑनलाइन तो यूजर आता ही नहीं है। तो यूजर कैसे आएगा जब आप एक ऐसे टॉपिक, ऐसी कैटेगरी को आपने चुन लिया जिसपे जिन बैठे हुए इंटरनेशनली और वो लाखों करोड़ों रुपए महीने का लगा रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, राइटर्स को पे कर रहे हैं, पेड एड चला रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, उनका उनकी रोजी रोटी है ही मेन कैटेगरी में, और वो पिछले 5, 10 साल, 15 साल से उन्होंने एक मार्केट में जगह बना के रखी हुई है, वो आपको कैसे इन कैटेगरियों पे काम करने देंगे? ठीक है, वो कैसे आपको इन कैटेगरी पे काम आपको नहीं करने देंगे? फिर आप देखते हो सब नीचीज लाइक एपिटाइजर, एपिटाइजर्स, सूप्स एंड सैलेड्स, ठीक है, उसके अंदर एक और सब कैटेगरी एपिटाइजर्स। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने जितनी डीप कैटेगरी के अंदर जाओगे मैं बता रहा हूँ उतना आपके लिए कीवर्ड सिलेक्शन उतना आसान होगा। और अगर आप ये काम नहीं करते, आप जो है यानी कि नीच आप दो तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो। ये जो मैंने आप लोगों को अभी लाइव मेथड बताया कि आप मुख्तलिफ साइटें विजिट करो, ये नहीं कि जो मैंने बताया सिर्फ यही साइट है, नहीं, आप मुख्तलिफ साइट्स विजिट करो। फॉर एग्जाम्पल ये एक कैटेगरी मेन पेरेंटिंग एंड फैमिली, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आप मजीद आते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं हमें मैं हमारे पास मेन कैटेगरी पेट्स, उसके अंदर पेट्स अंदर कैट केयर, ठीक है, कैट ब्रीड्स, फॉर एग्जाम्पल मजीद कैटेगरी है कैट्स, उसके अंदर कैट केयर, ये आपने ये चूज करनी ना कि ये या ना कि ये पेट, ऐसे कैटेगरी चूज नहीं करनी। ये तरीका कार होता है, आपने जो जो भी अपना नीच आपने सिलेक्ट करना है जिस पे हम अपनी वेबसाइट को रेडी करेंगे, जिस टॉपिक पे हम अपनी वेबसाइट को रेडी करेंगे, इस तरह से आपने करना है, ठीक है। तो ये तीन साइट्स की एग्जांपल है मैंने आप लोगों को बताई है। अब अगर आप इस तरह नहीं करना तो दूसरा आइडिया ये है कि आपने कभी कुछ खुद सोचा होता है कि मैं जो है वेबसाइट को रैंक करवाना सीखूं, प्रॉपर ट्रेनिंग लूं और उस टॉपिक पर काम करूं। ये आप अपने एक ऑलरेडी प्री डिसाइडेड टॉपिक पे भी साइट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अभी के लिए नीचे मेरी सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मुझे इसके अंदर रहते हुए कीवर्ड्स निकालने एक तीसरा तरीका भी है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे इस कैटेगरी, इस बेसिकली नीच के अंदर रहते हुए मुझे कीवर्ड निकालने हैं, बेसिक कीवर्ड कैसे, वो बेसिकली ऐसे होगी, हमें चाहिए गूगल एडवर्ड्स। आप लोगों ने अपने असाइनमेंट नंबर 1 पार्ट 1 में इस तरह से जो मैं अभी कीवर्ड रिसर्च बताने जा रहा हूँ, अपनी जो आपकी नीच होगी वो भी आपने मेंशन करनी है। और अपनी जो सिलेक्टेड नीच है वो किसी और स्टूडेंट के साथ, कुलीग के साथ आपने शेयर नहीं करनी है, ठीक है।
तीन रास्ते हैं जहां से हम लोग बेसिक अपनी कीवर्ड रिसर्च करेंगे, और ये गूगल के ऑफिशियल टूल्स हैं, ये कोई थर्ड पार्टी टूल्स नहीं है, और यहाँ से हमें एस्टिमेटेड सर्चिस का और उनकी वॉल्यूम का बेसिकली, और हमें लाइक सीपीसी का मुख्तलिफ का पता चलेगा। ठीक है, ये जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, अब हम ये जो कीवर्ड रिसर्च करेंगे ना, इससे पहले हमें चाहिए बेसिकली मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन क्या होता है? मोनेटाइजेशन ये होता है कि आप पहले से डिसाइड करते हो कि आपने पैसे कमाने के किस रास्ते से हैं। मैं इस कोर्स में आप लोगों को गूगल एडसेंस, ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है, इसके अलावा फ्लिपकार्ट, अमेज़न एंड सीपी, ठीक है, इन पांच टॉपिक्स को लेके चलूंगा। हम स्टार्ट यहाँ पर कर रहे हैं गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस के लिए हमने जो कीवर्ड रिसर्च करनी है वो कैसे करनी है, यानी कि हमने जो भी साइट बनानी है बेसिकली उसके लिए हमने जो नीच सेलेक्ट करनी है, देन उसके कीवर्ड्स फाइंड, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसको समझना है आप लोगों ने। ठीक है, हम सबसे पहले मोनेटाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं गूगल एडसेंस, देन हमने उस गूगल एडसेंस के लिए नीच सेलेक्ट कर रहे हैं, देन नीच सेलेक्ट करने के बाद हमने उसके लिए कीवर्ड्स निकाल रहे हैं जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एसईओ हम कीवर्ड्स को निकाल के और कीवर्ड्स को रैंक करवा के हम अपनी वेबसाइट को कीवर्ड्स के इर्द गिर्द लेके चलते हैं, और कीवर्ड्स की बेस पे हमारी वेबसाइट टॉप पे रैंक करती है और फिर हमें ट्रैफिक आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अक्सर लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि उन्होंने डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले लिया, अब वो किस टॉपिक पे साइट स्टार्ट करें। मैं ये कहता हूँ कि आपने जो है अभी तक फॉर एग्जाम्पल घर बना रहे, प्लॉट लिया नहीं है, और आप जो है आपने ईंटे लेके रख ली है, आपने सीमेंट लेके रख ली है, बजरी रेत लेके रख ली है, क्या ये तरीका कार सही है या नहीं सही, मुझे जरा साथ साथ चैट में बताते भी रहे। बिल्कुल माहम, आपका जो सवाल है ना वो बहुत अच्छा है कि हम एक ही साइट को इस काबिल बनाए कि वो ज्यादा अर्न करे, ठीक है ना, मगर मैंने बताया कि मैं मिनिमम एक आप लोगों को टारगेट बता रहा हूँ कि आप पार्ट्स में तब्दील कर लोगे अपने गोल को, और आप उसका एक मिनिमम लेवल पे सोचोगे कि भाई मैंने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, मुझे जो अपनी पर मंथ की अर्निंग तक पहुंचना है, टारगेट तक पहुंचना है, उसकी जो अर्निंग होगी वो कम से कम $250 हो, कमाई हमेशा ज्यादा ही होती है। ये तो मैंने बिल्कुल लो लेवल पे रहते हुए बात की है, ताकि कल को जब आप साइट स्टार्ट करो तो आप लोग कहो कि ये तो फॉर एग्जाम्पल सर ने 10 से 12 साइटें कही थी, ये तो हमारी 1 से 2 साइटों में ही सारा टारगेट कवर हो रहा है। इवन एक साइट आपकी ऐसी होती है जो आपके 10 साइटों का खर्चा बर्दाश्त कर रही होती है,
ठीक है ना। तो ये तो मैंने एक आप कह लो कि स्टार्ट स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बताया कि कहीं से तो स्टार्ट लेना है ना। अब हम चलते हैं, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं कि कैसे आपने एडसेंस के लिए जो साइट आप जो है वो बनाने जा रहे हो। अच्छा एडसेंस का अगर आपको तारुफ दूं तो गूगल एडसेंस बेसिकली गूगल की एक प्रोडक्ट है जिसमें पब्लिशर्स को पैसे मिलते हैं, यानी कि हम लोग, हम एसईओ करने वाले लोग, हम पब्लिशर्स कहलाते हैं, हम लोग पैसा कमाते हैं और एडवर्टाइजर गूगल को पे करता है और वो जो पे करता है उसमें से 68% जो है वो पब्लिशर्स को मिलता है, बाकी 22% या ये फ्लक्चुएट करता है उनका, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बैकएंड पे रखी है, बाकी वो खुद रखते हैं गूगल वाले। तो जो 68% या 62% फॉर एग्जाम्पल हमें मिलता है वो इतना ज्यादा होता है कि हम गूगल एडसेंस से लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं। तो बात यह है कि ये गूगल की एक प्रोडक्ट है जिससे जिसे हम जिसपे हम अप्लाई करके अपनी वेबसाइट से पैसे कमाएंगे, ठीक है। वेबसाइट बना के गूगल एडसेंस पे अप्लाई करके अप्रूवल लेके वहां से हम पैसे कमाएंगे। तो ये गूगल एडसेंस का भी मैंने आप लोगों को साथ साथ बता दिया ताकि कुछ लोग ये जिनको एडसेंस के बारे में ज्यादा मालूम ना हो उनको बताता चलो। अच्छा इस एसईओ के सफर में आप लोगों को इन पांचों मोनेटाइजेशन के लिए जो साइटें रेडी करनी है वो सिखाऊंगा। आपकी मर्जी होगी आप एडसेंस को कैरियर बना के चलो, आपकी मर्जी होगी आप ई कॉमर्स स्टोर को लेके चलो, आपकी मर्जी होगी आप क्लिक बैंक को लेके चलो, आपकी मर्जी होगी आप अमेजोन को लेके चलो, या आपकी मर्जी होगी आप सीपीए को लेके चलो। हर मोनेटाइजेशन को मैं अलग अलग एक्सप्लेन करता जाऊंगा। हर हफ्ते में जो दो लेक्चर होंगे वो दो लेक्चर में मैं जितना कवर हो सकेगा मैं करवाऊंगा, ओवर बर्डन भी नहीं होने दूंगा आप लोगों को क्योंकि आप लोगों ने डेफिनेटली असाइनमेंट भी बनानी है, ठीक हो गया। अच्छा अब हमें एग्जाम्पल के तौर पे पिंपल्स एक नीच मिल गई है, अब हमने उसके लिए कीवर्ड्स निकालने हैं ताकि हम उस पर आर्टिकल लिखवा के अपनी डोमेन बाय करके देन उसके ऊपर आर्टिकल लिखवा के हम पब्लिश कर सकें और हमें ट्रैफिक भी मिले, हम वहां से कमाने भी लगे। तो उसके लिए क्या है, हमने कीवर्ड सर्च करनी, बेसिक कीवर्ड से वो कैसे करनी, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लान। google.com/NCR एंटर। जो भी कीवर्ड हम सर्च करवाते हैं फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से आप लोगों की जो बिल्कुल बेसिक कीवर्ड सर्च होगी उसमें फाइंड 100 कीवर्ड्स हैविंग 1000 प्लस सर्चेस, ठीक है। ये आप लोगों की बेसिक असाइनमेंट है और इसी तरह से आप लोगों ने कीवर्ड्स की जो सर्च वॉल्यूम हम चेक करते हैं वो गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर से चेक करते हैं। ये गूगल का ऑफिशियल टूल है और ये जो सर्चेस दिखाता है ये एस्टिमेटेड होती हैं, एग्जैक्ट नहीं होती हैं। ये आप लोगों ने जहन में ये बात रखनी है, ये जो टूल बताता है एस्टिमेटेड सर्चेस बताता है, सर्च वॉल्यूम या सर्चेस बताता है, एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ कि 1000 प्लस सर्चिज वाले कीवर्ड आप लोगों ने निकालने हैं तो वो आपने कैसे फाइंड करने हैं, अपनी नीच आपने सिलेक्ट करने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया, प्लस आप लोगों के साथ तकरीबन 60 to 70 कैटेगरीज वाली एक फाइल भी शेयर कर दूंगा, वहां से आप मेन कैटेगरियां होंगी उसकी सब कैटेगरीज आप लोग खुद फाइंड कर लेना और वहां उन उन सब कैटेगरीज को लेके आप लोगों ने कीवर्ड निकाल लेने, ठीक हो गए। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, ठीक
अच्छा, जो कंट्री आपने, जब हम एडसेंस की बात करते हैं, जब हम क्लिकबैंक की बात करते हैं, जब हम अमेजोन की बात करते हैं, जब हम सीपीए की बात करते हैं, इन चार के लिए हमेशा आपने ध्यान में रखना है कि हमने यूएसए कंट्री को टारगेट करना है, यूएसए। अच्छा, ई कॉमर्स स्टोर डिपेंड करता है कि आपका यूएसए के अंदर आप उसको रैंक करवा रहे हो, यानी कि आपकी प्रोडक्ट की नेचर पे डिपेंड करता है कि जो आप ई कॉमर्स का स्टोर बनाओगे वो आपका, आप यूएसए के लिए बनाने जा रहे हो, आप पाकिस्तान के लिए बनाने जा रहे हो, वो डिपेंड करता है। तो उसमें आपने उस हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करनी होगी। यानी कि यहाँ पर आपने आज के लेक्चर में बहुत सारी बातों के साथ साथ ये बात भी आपने समझनी है कि जो कीवर्ड रिसर्च है ना, वो कंट्री स्पेसिफिक होनी चाहिए। ये बात मैंने 2014 के लेक्चर में कही थी, फ्री का मेरा मैंने ऑनलाइन एक लेक्चर दिया था, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था। समझ आ रही, जो ट्रोलिंग बोलते हैं ना, ट्रोलिंग की थी मुख्तलिफ ग्रुपों में जाके। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने कभी मेरी मेहनत को रायगा नहीं जाने दिया, और जो मैं प्रिडिक्शन करता हूँ उसको कभी जो है वो डिनाई नहीं होने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 और 16 की जो गूगल की अपडेट थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें गूगल ने कंट्री स्पेसिफिक करने का रेकमेंड कर दिया था। इट मींस कि आप जो भी साइट बनाओगे ना, इस ट्रेनिंग से सीख, ये सारी चीजें आप सीखोगे आज, और आगे आने वाले लेक्चर में आप ऐसी ही बातें सीखोगे जो आपने आज तक सुनी नहीं होंगी, देखी नहीं होंगी, नेवर सीन बिफोर, आप चीजें यहाँ पर सीख के जाओगे। ठीक है, तो आपको ये मैं गूगल की टर्म्स के मुताबिक बता रहा हूँ, मेरे मैं अपनी कह लो कि सेल्फ लर्निंग जो है, या सेल्फ एक्सपीरियंस की बेस पे आपको एसईओ नहीं सिखाऊंगा। जो एसईओ सिखाऊंगा इंटरनेशनली वही काम हो रहा है। ठीक है, कि हर जो वेबसाइट है उसकी एक कंट्री जरूर होगी ऐसी जिसमें उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात करता हूं मोबाइल प्राइसेस, और मैंने डोमेन ले ली .pk। ठीक है, मैंने डोमेन ले ली .pk। अब पीके से मुराद है कि वो पाकिस्तान के एक्सटेंशन में मैंने करवाई है। अब मैं उसकी जो रिसर्च करूंगा ना, वो पाकिस्तान कंट्री सिलेक्ट करके करूंगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब एडसेंस की हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, एडसेंस में यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जो टॉप टायर कंट्रीज कहलाती हैं, टायर वन कंट्रीज कहलाती हैं, इनमें हमें जो रेवेन्यू मिलता है वो ज्यादा मिलता है निस्बतन पाकिस्तान एंड इंडिया के। यानी अगर हमारी वेबसाइट इन चार कंट्रीज जो मैंने मेंशन किया, इन चार कंट्रीज की ऑडियंस को टारगेट कर रही हो, तो हमें बहुत अच्छी अर्निंग हो रही होती है। मेरी बात समझ आ रही है? मैं एक और आप लोगों के साथ केस स्टडी शेयर करता हूँ। मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई 2004 में, 5 में, 2005 में। उस वेबसाइट पे मैंने सारा कंटेंट पाकिस्तानी डाला, पाकिस्तान में वो ज्यादा अच्छी रैंक करने लग गई, पाकिस्तान में मेरे कुछ लोग पीछे पड़ गए कि उस वेबसाइट का एडसेंस ब्लॉक करवाने के लिए। मैंने उस पे कोड लगा दिया कि जब पाकिस्तान से कोई उस वेबसाइट को विजिट करता था तो उनको गूगल का कोड नजर नहीं आता था, गूगल का बैनर नजर नहीं आता था। जब इंटरनेशनली किसी और कंट्री से साइट खुलती थी, देन वो एडसेंस की एड नजर आती थी। तो वो जो इंटरनेशनली जो नजर आती थी ना, उन्हीं से इतना रेवेन्यू हो जाता था, 2-3 हजार डॉलर, $4,000 वो साइट बनाती थी, कि अल्हम्दुलिल्लाह उससे मैंने अपना अपनी जिंदगी को सेट किया। ये मैं 2005 की एंड की बात कर रहा हूँ, 2005 नवंबर एंड दिसंबर की, वही मेरे सक्सेसफुल कैरियर का स्टार्ट था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गया मुझे बहुत अच्छी अर्निंग करते हुए, सिर्फ अर्निंग नहीं, बहुत अच्छी अर्निंग करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली क्या था कि वो जो उस टाइम में मैंने वो जो सेटिंग की थी, मुझे नहीं मालूम था कि आने वाले वक्त में ऐसा होने जा रहा है। बट फिर मैंने जो सिखाया, बताया 2014 में, फ्री एसईओ का 4 घंटे का मेरा लेक्चर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो। मैंने बताया कि कंट्री स्पेसिफिक रहना जरूरी है, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। तो ये आप लोगों ने सीखना है कि आप जो भी कीवर्ड रिसर्च करोगे ना, वो किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करके करोगे, वर्ल्ड वाइड नहीं करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पाकिस्तान हुआ है,
मैं एडसेंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर यूएसए, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हम ऐसी कंट्री को टारगेट करेंगे जहां पर हमें रेवेन्यू ज्यादा अच्छा मिलता है, एडसेंस की बात कर रहा हूँ, मोनिटाइजेशन एंड देन उसके स्ट्रेटेजी आपने ऐसे बनाया, एसईओ एक्सपर्ट ऐसी स्ट्रेटेजी बनाता है जो मैंने आप लोगों को समझा रहा हूँ। इंपल्स हमारा सीड कीवर्ड हो गया या हमारी नीच हो गई, आप इस तो ये भी कह सकते हो, सीड कीवर्ड हो गया या नीच हो गई, पिंपल कंट्री गेट रिजल्ट। अब ये लास्ट 12 महीनों में जो सर्चिज हुई है ना, ये उसका एस्टिमेटेड मंथली सर्चिज बता रहे हैं, एस्टिमेटेड, एवरेज का मतलब है एक्चुअली एस्टिमेटेड, ठीक हो गया। पिंपल, अच्छा मुझे ऐसे कीवर्ड निकालने हैं जिनकी सर्चिज मिनिमम 1000 हो, मैं यहां से जितने भी कीवर्ड हैं इन सबको सेलेक्ट करके और कॉपी कर लूंगा और एक्सेल की फाइल में पेस्ट कर दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये बेसिकली इस तरह से आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट नंबर 1 पार्ट 1 को कंप्लीट करना है। मेरी बात समझ आई? ये आप लोगों की बिल्कुल बेसिक असाइनमेंट है और नेक्स्ट लेक्चर से पहले यानी कि जुमेरात तक, जैसे आज जुमेरात है, नेक्स्ट अपकमिंग थर्सडे तक आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट, ये जितने भी स्टेप्स बताए हैं, नीच सिलेक्शन प्रॉपर करनी है मेरे साथ, फिर आपने जब आपने सारी रिसर्च कंप्लीट कर लेनी है, आपने मुझे ईमेल करनी है, आपने बल्कि ईमेल भी नहीं करनी, व्हाट्सएप करनी है ऑन माई नंबर 0343-6100, ठीक है। यहाँ पर आपने मुझे मुझे व्हाट्सएप पे, जहां पर आपने आगे कोर्स ज्वाइन किया वहां पर आपने मुझे ये व्हाट्सएप करनी है अपनी असाइनमेंट, और जिसकी असाइनमेंट अप्रूव होगी देन वो अगले नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए रेडी होगा, जो कि लेक्चर नंबर 3 और 4 में आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों के साथ मैं ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दूंगा, उस ग्रुप में आप लोगों को ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप का ग्रुप होगा वो, उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग उसमें ऐड हो जाओगे, जब वहां पर आप लोगों को महीना हो जाएगा देन फिर आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड करूंगा व्हाट्सएप के, जो प्रीवियस स्टूडेंट्स भी जिसमें ऐड है, ठीक है। इस तरह आप लोगों को वहां से भी हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके। Okay.